इसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से दुनिया के सबसे धनी आदमी को लोन की जरूरत पड़ गई, वह किस किस के पास गया और किस किस से कितना लोन लिया, किन लोगों ने उसे लोन दिया, किन लोगों ने उसे लोन नहीं दिया और आखिर उसे लोन लेने की जरूरत क्या पड़ी। दोस्तों, जो दुनिया के सबसे धनी आदमी है वह है एलन मस्क। उसके बाद मुकेश अंबानी अपने इंडिया से उनका नंबर आता है, लेकिन एलन मस्क को लोन लेने की जरूरत क्या पड़ गई? आखिर किस किसके लिए उन्होंने लोन लिया? जब वो दुनिया के सबसे धनी आदमी है तो वो लोन क्यों लेंगे और अपने लोन लेके कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें। तो दोस्तों, बात ये 2022 की है, अक्टूबर 2022 के आसपास की है, जब ट्विटर का ट्रांजिशन चल रहा था। पहले ट्विटर का नाम ट्विटर था, आजकल एक्स नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। तो उस समय जब ट्विटर का ट्रांजिशन चल रहा था, तो उस समय एलन मस्क ने 1 बिलियन का लोन लिया था। वो भी किस कंपनी से लिया था? वो भी लिया था स्पेस एक्स नाम की कंपनी, उससे लिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस एक्स और ये ट्विटर, ये और टेस्ला, ये एलन मस्क की ही कंपनी है और अपनी ही कंपनी से उन्होंने लोन लिया था। और कितना लोन लिया था? 1 बिलियन। लोन लेने के 1 महीने के अंदर उन्होंने उसका लोन भी चुका दिया। इस तरीके से उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पड़ा होगा। अब क्योंकि इसके बारे में वही जानते होंगे कि इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया और अपनी कंपनी से इतना बड़ा लोन क्यों लिया। तो दोस्तों, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आवश्यकता पड़ती है और आपको अगर लोन की जरूरत है, अगर आपको सही समय पर चुका देते हैं तो आप लोन लीजिए और सही समय पर चुका दीजिए, आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जिससे आपका काम चल सके, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का सामान खरीद लेते हैं, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का अमाउंट भरने की बारी आती है तो लोग उसको भरते नहीं है, झुक जाते हैं। उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मिनिमम अमाउंट पे करते हैं। मिनिमम अमाउंट मतलब, जैसे मान लीजिए 1 लाख का सामान लिया, मिनिमम अमाउंट है 10,000, ठीक है। 10,000 पे कर दिया, सोचे कि यार अब अगले महीने फिर से मिनिमम अमाउंट पे कर दूंगा। इस तरीके से मिनिमम अमाउंट पे करते करते जो है उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो तो कम नहीं होता है, बाकी जो इंटरेस्ट उस पर वो जो लोग भरते रहते हैं। इस तरीके से बैंक का तो फायदा हो जाता है, लेकिन जो लोन लेता है उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका नुकसान ही नुकसान होता रहता है। और धीरे धीरे अमाउंट मिनिमम करते वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अगर वह पेमेंट करने की स्थिति में है तो कर देता है, नहीं तो क्या होता है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, आपके पास बैंक का फोन आएगा कि भाई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, तो हाँ ठीक है करना है, कितना दे देंगे, तो अपना कुछ लमसम अमाउंट बता के उसका सेटलमेंट करवा देते हैं। अब होता क्या है, इससे सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। सिविल स्कोर जब डाउन हो जाएगा तो आपको आगे लोन नहीं मिलेगा और आप कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इससे सिविल स्कोर पे काफी काफी मतलब नुकसान होता है, आपकी क्रेडिट वैल्यू खराब होती है। इसलिए अगर कोई लोन लेता है उसे समय पे चुका देना चाहिए ताकि उसके सिविल स्कोर पे कोई फर्क न पड़े। तो दोस्तों, ये रहे आज की कुछ मुख्य बातें, जिसमें मैंने आपको बताया कि एलन मस्क ने भी लोन लिया था लेकिन समय पे चुका दिया था। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि वो लोग भी AI के बारे में अपडेट से वो लोग भी उन लोगों को भी परिचित रहें। दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।